हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्तों स्वागत हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप शैक्षिक सत्र 2020 से किससे संबंधित बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना जो छात्रवृत्ति का स्टेटस होता है वो कब से ऑनलाइन देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जो जानकारी है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके साथ साथ दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। इसमें कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की गई। इसमें सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं कि आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है और आप अपना फॉर्म कब तक कॉलेजेस में सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका स्क्रूटनी रिजल्ट यहाँ पर कब से आप उसे देख पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें आपके करेक्शन के बारे में, करेक्शन की डेट भी यहाँ पर दी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो कब से हम देख पाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इस नोटिस में कहीं पर भी आपके स्टेटस का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कहीं पर ये बताया गया कि आप कब से अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे। बट फाइनली दोस्तों आप देख सकते होंगे पॉइंट नंबर 12 पर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो आपका स्क्रूटनी रिजल्ट है वो आप 11 दिसंबर से ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। जहाँ दोस्तों आपके फॉर्म में किसी भी तरह का सस्पेंशन होगा उस से आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे 11 दिसंबर से। ये 11 दिसंबर वाली डेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म 5 नवंबर तक फाइनल लॉक कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो स्टेटस होगा वो यहां पर 11 दिसंबर से पहले पहले आने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और स्टेटस सभी स्टूडेंट्स का बहुत जल्द ही शो होगा और सभी स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को लगातार लॉगिन करके चेक करते रहें। आपका जो स्टेटस है वो किसी भी समय शो हो सकता है और जो आपका स्क्रूटनी रिजल्ट होगा यानी कि आपका जो सस्पेक्ट फॉर्म होगा उसमें किस टाइप की मिस्टेक है, आपका फॉर्म सस्पेक्ट है या फिर नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको 11 दिसंबर से ऑनलाइन आपके फॉर्म में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिस देख सकते होंगे, यहाँ पर देख सकते होंगे सस्पेक्टेड डाटा को कारणों सहित छात्र यानी कि स्टूडेंट संस्था यानी कि कॉलेज और कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना। वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना फॉर्म 5 नवंबर तक ऑनलाइन लॉक कर दिया था और आपने अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो स्क्रूटनी रिजल्ट होगा वो 11 दिसंबर से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका स्टेटस भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 दिसंबर से पहले पहले आपकी स्टेटस भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप अपने फॉर्म को लगातार चेक करके देखते रहें, उसे लॉग इन करके देखते रहें और वहाँ पर आपको जो स्टेटस का ऑप्शन दिया होता है अपने छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए क्लिक करें। वहाँ जो ऑप्शन दिया है वहाँ से आप अपने स्टेटस को चेक करते रहें, किसी भी समय आपका जो स्टेटस है वो ओपन हो सकता है। बट नोटिस में कहीं पर भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि आपका स्टेटस इस डेट से ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।